हेलो, कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी फाइन होंगे। तो आज हम एक अच्छा सा टॉपिक आपके लेके आए हैं, विलेज लाइफ, गांव का जीवन। देखिए, गांव के जीवन की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो वास्तविक अर्थ में देखें तो ये बात सही भी है। लगभग हमारी शहरों से काफ़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या गाँव में निवास करती है। गाँव का जीवन सादा जीवन, सिंपल जीवन और हाई थिंकिंग लोगों का एक प्रकार से मैं जीवन कहता हूँ। आज हम शहरों में देखते हैं, सिटीज़ के अंदर जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। शहरों का जीवन होता है जिसमें व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं सकता, सामाजिकता का अभाव होता है। मैं कहता हूँ कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी एक प्रकार से मेल मिलाप बहुत कम हो पाता है। वहीं गाँव कम जिंदगी देखें तो गाँव के अंदर सामाजिकता की भावना बहुत अधिक पाई जाती है, लोगों में सहयोग की भावना बहुत अधिक पाई जाती है, प्रेम की भावना बहुत अधिक पाई जाती है लोगों की। मुख्य रूप से गांव के अंदर हम बात करें आजीविका, मुख्य रूप से गांव के लोगों की जो आजीविका है वो एग्रीकल्चर वर्क के ऊपर आधारित होती है। यानी मुख्यतः गांव के लोग एग्रीकल्चर, खेती वाले काम पर डिपेंड करते हैं और सारे के सारे व्यक्ति एक टीम भावना बनाकर गांव के अंदर खेती का काम करते हैं। मुख्य रूप से उनकी आजीविका का सोर्स, इनकम का सोर्स भी खेती होती है और वो एक लिमिटेड आय के अंदर, लिमिटेड इनकम के अंदर भी अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं। अभी जो कोरोना वायरस था, इस कोरोना वायरस के दौरान भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग गांव की ओर, विलेज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस व्यक्ति को देखो शहरों को छोड़कर गांव की ओर जा रहा है, यानी कि जो वर्ग गाँव को छोड़कर शहरों में चला गया था वो वर्ग वापस शहरों को छोड़कर गाँव में शिफ्ट हो रहा है। उन्हें एक प्रकार से गाँव की वैल्यू का पता लग रहा है कि गाँव का जीवन कैसा है। अब कंपेरिजन टू शहरों में जाते हैं, एक कमरे के अंदर हम सिमट के रह जाते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे ऊपर वाली छत पे कौन सा पड़ोसी रह रहा है। ऊपर से पूरे दिन एक कमरे के अंदर हम घुसे रहते हैं, लोगों में कोई सामाजिकता की भावना नहीं होती, कोई सहयोग की भावना नहीं होती है। एक ऊपर अगर केरला का कोई व्यक्ति रह रहा है, परिवार रह रहा है, नीचे हरियाणा का कोई रह रहा है, आपस में जान नहीं पाते हैं। कोई भी आपातकाल हो जाए तो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते हैं, ऐसा शहरी जीवन बना के रख दिया है। वहीं अगर हम गाँव के जीवन की बात करें, लोगों में सहयोग की भावना से रहते हैं, प्रेम की भावना से रहते हैं। कोई भी फंक्शन होता है गांव के अंदर, सभी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी भाग लेते हैं। एक प्रकार से मैं कहूँ सभी के अंदर एक अलग उत्साह, एक अलग एनर्जी दिखाई देती है, कोऑपरेट करने की भावना दिखाई देती है। गांव के अंदर अगर शादी होती है, कोई मैरिज का फंक्शन होता है, उसमें मोस्टली मैरिज के फंक्शन में भी सभी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं, सभी व्यक्ति सहयोग करते हैं, महिलाएँ जाती हैं, पुरुष जाते हैं, बच्चे जाते हैं, एक अलग ही अनुभूति होती है। वहीं शहरों के अंदर हम देखते हैं दो घंटे पहले एक टेंट लगता है, शादी हो जाती है और खुद नहीं पता लगता कि यहाँ शादी हुई थी क्या नहीं हुई थी। गाँव के अंदर ही लंबा फंक्शन होता है, लंबा इस प्रकार का इवेंट किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई दुख की घड़ी आ जाए, कोई डेथ हो जाए, तो भी गाँव के अंदर उस व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए, सांस बढ़ाने के लिए सारे के सारे गाँव के व्यक्ति उस घर को जाते हैं, उस व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं कि ये जो दुख है, ये घड़ी है, हम आपके साथ हैं। तो उसी समय व्यक्ति को एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, लोग उसका सहयोग करते हैं। मुख्य रूप से गांव के अंदर अगर लोगों की इनकम कम है तो भी उस कम इनकम के अंदर वो अपना जीवन बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं। वहीं शहरों के अंदर हम देखें तो शहरों के अंदर एक आम व्यक्ति से भी, कॉमन परिवार से भी लगभग 20-30 हज़ार रुपये से कम उस व्यक्ति को अपना जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गांव के अंदर एक सिंपल लाइफ विद 10,000 रुपीज़ के अंदर, 10,000 रुपये के अंदर भी एक सामान्य परिवार बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकता है। गांव के अंदर बहुत सारी, हम ये कहूँ, खाने पीने की चीज़ें या सहयोग ऐसी चीज़ें, खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं, इसलिए गांव का जीवन एग्रीकल्चर और पशुपालन पर आधारित होता है। तो वहाँ लोगों की जो आवश्यकताएँ होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएँ खेती से पूरी हो जाती है और पशुपालन उसमें अन्य सहायता करता है। तो व्यक्ति अपना जीवन इन दोनों के माध्यम से सिंपल तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। कोई फालतू चकाचौंध गांव में नहीं पाया जाता है। अगर हेल्थ की दृष्टि से देखें तो भी जो गांव है वो शहरों से कई गुना बेटर हैं। आज शहरों में आप देखते हैं आए व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित है, मोटापा, डायबिटीज, शुगर, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। क्योंकि शहरी जो जीवन है, उस शहरी जीवन के अंदर व्यक्ति के पास न घूमने की जगह है, न सांस लेने की शुद्ध एयर है। वहीं कंपेरिजन अगर हम गांव का देखें तो गांव के अंदर व्यक्ति बहुत अधिक बीमारियों से, बहुत कम बीमारियों से ग्रसित होता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है। खाना भी उस स्टैंडर्ड का खाता है, घूमता भी है, वॉकिंग भी करता है, लोगों के पास बैठता भी, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करता है। तो गांव का जो जीवन होता है वो व्यक्ति के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसलिए गांधी जी की कोटेशन याद आती है कि गाँव, अगर हमें भारत देखना है
तो सही मायने में भारत देखने के लिए हमें गांव में चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आत्मा तो गांव में रहती है, शहरों में नहीं रहती है। गांव की आत्मा तो, भारत की आत्मा तो गांव में रहती है। तो गांधी जी की कहावत की कोटेशन चरितार्थ होता है गांव के जीवन पर। तो गांव से दूर न जाएं, बल्कि गांव के नज़दीक रहें, क्योंकि गांव ही हैं जो हमें इस भयंकर कोरोना संकट के समय के अंदर भी बहुत अधिक पॉपुलेशन शहरों को छोड़कर गांव की ओर आई है, क्योंकि गांव के अंदर ही एक लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, जहां एक ऐसा लगता है कि हम शहरी चकाचौंध से आकर वास्तविक रूप से सही मायनों में एक अलग जिंदगी, एक अलग प्रेम भरी जिंदगी गाँव में ही जी सकते हैं और कहीं नहीं जी सकते हैं। तो गाँव के जीवन से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि गाँव का जीवन है तो ही एक भारत की अलग पहचान है, भारत की पहचान ही गाँव के जीवन से है। वंदे मातरम।